हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये मेरा सक्सेसफुल एमआर सीरीज का वीडियो है। मैं इसमें एमआर से सक्सेसफुल एमआर कैसे बने उसके टिप्स शेयर करता हूं। अगर आप लोगों ने सक्सेसफुल एमआर सीरीज का बाकी का वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से सारे वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फ्रेंड्स, सक्सेसफुल होने का क्या मतलब है? सक्सेसफुल होने का सीधा मतलब है पैसा, खुद का घर, खुद का गाड़ी। यही एक मिडिल क्लास फैमिली की, मिडिल क्लास लोगों की एक जॉब से इतनी तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ, मैं जब बड़ा होऊंगा तो ये सारी चीजें मेरे पास खुद की होगी। लेकिन मैंने आज तक किसी भी एमआर को नहीं देखा जो सैलरी और एक्सपेंस से ये अपना सारा ड्रीम पूरा कर सके। आप भी अपने चारों तरफ नजर घुमा के देख लीजिए, जो भी एमआर के पास ये सारा चीज है वो अपने जिंदगी में कभी ना कभी इंसेंटिव जरूर कमाया होगा। जी हाँ, एमआर के जॉब में सैलरी और एक्सपेंस के अलावा एक और चीज मिलती है पैसा कमाने का अवसर, वो है इंसेंटिव। जिसमें सैलरी और एक्सपेंस से जितना पैसा आता है उससे भी ज्यादा आप इंसेंटिव कमा सकते हो। आप देखो, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, जैसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे आपका कुछ ना कुछ इंसेंटिव का स्ट्रक्चर जरूर होगा। हर कंपनी का होता है, तो आप इंसेंटिव के लिए काम कीजिए। देखिए, मैं बता दूं, आपकी कितनी भी डिटेलिंग अच्छी है, आपका कितना भी डॉक्टर से नॉलेज अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, लेकिन आप टारगेट नहीं करते हो, इंसेंटिव नहीं कमाते हो, तो आप खुद को सक्सेसफुल नहीं मान सकते हो। और टारगेट कैसे पूरा करें, उसके ऊपर मेरा जो लास्ट वीडियो था वो उसी टॉपिक पे था कि एमआर जॉब में टारगेट को कैसे पूरा कर सकते हैं। और टारगेट पूरा करोगे तो आपका धीरे धीरे जो है वो सैलरी भी बढ़ेगा, है ना, बेस बढ़ेगा, तो हर साल इंक्रीमेंट भी अच्छा लगेगा, उसके साथ साथ इंसेंटिव भी आप सैलरी से ज्यादा कमा सकते हो। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इस जॉब से करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन हाँ, लखपति तो जरूर बना जा सकता है अगर कोई आदमी अच्छे माइंडसेट से, अच्छे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से, बिजनेस माइंडसेट से करे कि हाँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो ये करूंगा तो मुझे इतना पैसा आएगा। और मैंने अपने करियर में देखा है लोगों को इस जॉब से अपनी सारी जरूरतें पूरी करते हुए, मैं इसी जॉब से लोगों देखा हूँ एक नहीं दो दो घर लेते हुए, खुद की कार लेते हुए, और आपने भी आसपास में जरूर देखा होगा। तो आप जब भी अपने सीनियर कलीग के पास बैठते हैं तो ये सारी चीजें चर्चा कीजिए, वो भी आपको बताएंगे। और उनके पास, जिनके पास ये चीज है, वो जिस भी कंपनी में काम कर रहे होंगे या फिर किए होंगे, उन्होंने अपनी जिंदगी में इंसेंटिव कमाया होगा। तो अगर आप एमआर जॉब में हैं, देखो ये एक मार्केटिंग जॉब है, और आपके पास इंसेंटिव कमाने की अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना कमाओ। हर आदमी पैसे के लिए काम करता है ना, तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आपको जरूर करना चाहिए। और आप जब 5 साल 10 साल 20 साल बाद अगर आप देखोगे ना पीछे मुड़ करके, तो अगर आपने इंसेंटिव नहीं कमाया तो बहुत ही पछताओगे। तो जो भी फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस हैं सब, उनसे मेरा बस यही सलाह है कि आप जिस भी कंपनी में, जहां भी काम कर रहे हैं, वहां बस आप सैलरी और एक्सपेंस के लिए काम ना करो, इंसेंटिव के लिए काम करो। उससे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, मंथली इंसेंटिव भी, ईयरली इंसेंटिव भी, अच्छा खासा पैकेज पैसा मिल जाता है। उसके अलावा फॉरेन टूर भी मिलता है कई कंपनियों में। तो मेरा सुझाव यही कि आप इसी हिसाब से काम करो तो अच्छा है आप लोग के लिए। अगर आप सक्सेसफुल एमआर होना चाहते हो, सक्सेसफुल होने का सही मतलब अगर बोला जाए तो यही है कि टारगेट करो और खूब सारा पैसा कमाओ, इंसेंटिव कमाओ। आशा करता हूं कि ये छोटी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक कर देना, और इसको आप फार्मा ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो। और बाकी के आने वाले सक्सेसफुल एमआर सीरीज के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लो ऑल पे, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।